दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा लॉक्स। आज मैं मेरा बाइक का सेरामिक कोटिंग करने वाला हूं। मैं एक्चुअली बाहर करने वाला था, लेकिन बाहर में बोला पूछा तो उन लोग बोला कि 2 दिन कम से कम रखना पड़ेगा बाइक को, और वो भी 1 साल के लिए 6,000, 3 साल के लिए 8,000 वैसी प्राइस बोला। तो मैं सोचा क्यों ना हम घर में ट्राई करूँ करके भी ऑनलाइन से परचेज़ किया। तकरीबन 1,350 रुपीस पड़ा है। तो चलिए आज उसे हम सेरामिक कोटिंग लगाएंगे। तो इसलिए सेरामिक कोटिंग करने से पहले बाइक को अच्छा से वॉश करेंगे, जो अपने पास जो है फोम वॉश उससे करेंगे। इसके बाद सेरामिक कोटिंग फर्स्ट लेयर लगाएंगे। फिर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन था कि 2 घंटे में बाद में लगा सकते, लेकिन अब कम से कम दूसरा दिन में लगाने से अच्छा है। एटलीस्ट 24 आवर्स आप देना चाहिए, उसका टाइम अच्छा सा सूखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना बाइक का वॉशिंग कर चुका हूँ, घर के पास फोम वॉश कर चुका हूँ इसे। देखिए अभी इसे हम सेरामिक कोटिंग करेंगे। दोस्तों, ये है, मैं ऑनलाइन से परचेज़ किया हूँ सुपर सेरामिक कोटिंग। तो इसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे, क्या क्या है इसमें देखेंगे। तो चलिए, इसे मैं 1,350 रुपीज़ में परचेज़ किया हूँ। तो चलिए इसे। देखिए इसमें लिखा है सुपर सेरामिक कोटिंग। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इसमें क्या क्या है देखेंगे। देखिए ये सिल्क क्लॉथ दिया है, 2 पीसेस। इसे हम लगाना पड़ेगा इसी से, और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है क्या नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसमें सब लिखा है। तो इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से, देखकर वैसे ही हम करेंगे। यह है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इससे सेरामिक कोटिंग करने के बाद अच्छा से इसे रब करना है। ये बहुत बड़ा क्लॉथ है, तो इसलिए इसे हम 2 पार्ट कर देंगे। एक तो रखेंगे, कभी काम आएगा, आधा करके रख लेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए ये बोतल है सुपर सेरामिक कोटिंग, 30 ml का है। देखिए ये एक तो डस्टर टाइप का है, स्पॉन्ज, हार्ड स्पॉन्ज प्लस नॉर्मल स्पॉन्ज, सॉफ्ट वाला भी है छोटा सा, दोनों मिला के दिया है। ये कागज़ कुछ है, उसका जो टोल फ्री नंबर वगैरह दिया है इसमें। चले इसे अभी साइड करते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ लेंगे। देखिए जो डस्टर है उसको आप ऐसी, जो सॉफ्ट वाला है उसको नीचे रखना पड़ेगा, और जो सिल्क क्लॉथ दिया है उसको ऐसी पकड़ कर करना पड़ेगा, स्ट्रेट में करना पड़ेगा आपको। इसके बाद क्रॉसली करना पड़ेगा, कम से कम 10 से 12 ड्रॉप्स इसमें डालना पड़ेगा। देखिए ऐसे डालना पड़ेगा। देखिए अभी पूरा स्ट्रेट ऐसे करना पड़ेगा। आपको मालूम हो जाए कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं,
जहाँ नहीं लगा फिर और एक बार उसे ये कर देंगे, लगाएंगे, देखिए ऐसे स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, तो बार बार खुल जाता है। Think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine. But I am here to stay, won't look away. The storm is coming. देखिए ऐसे स्ट्रेट करना पड़ेगा। अभी इसके बाद क्रॉसली करना पड़ेगा। देखिए ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, पहले स्ट्रेट इसके बाद क्रॉस। So you wanna be my enemy. You should have known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't. तो ऐसे अब पूरा बाइक को करना पड़ेगा। That I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall. देखिए अभी ये जो माइक्रोफाइबर टॉवल है उससे आप जहाँ जहाँ कोटिंग किया उसको अच्छे से रब करना पड़ेगा। जैसे आप शू पॉलिश करते हैं हम लोग, तो पॉलिश क्रीम लगाने के बाद जैसे शू को चमकाते हैं वैसे इसको चमकाना पड़ेगा। जब तक चमक आएगा नहीं आप उसे पूरा रब करना पड़ेगा, जो ऊपर में जो कोटिंग किया है उसको पूरा अच्छा से करना पड़ेगा, मैंने रबिंग करना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर एक चमक आएगा, तब तक करना पड़ेगा। देखिए that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable. दोस्तों ऑलरेडी एक बार कोटिंग हो गया, अब देख सकते हैं और एक बार कोटिंग करेंगे, देखिएगा क्या कुछ डिफरेंस है कि नहीं। देखिए और एक बार कोटिंग करेंगे। चलिए फिर हमारे कोटिंग शुरू करेंगे। यही बोतल थोड़ा टाइम टेकन है लेकिन बाहर से तो अब 2 दिन देना पड़ेगा बाहर में तो, लेकिन घर पर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी वापस दो फिर आओ, फिर
फिर जाओ फिर लाए बाइक लाओ, ये सब झंझट है। क्योंकि मेरा जहाँ रहता हूँ वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना घर पर ही कोशिश करें, और इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है आपको। I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow. आपको लेकिन कार में थोड़ा इजी है, प्लेन रहता है, लेकिन बाइक के आपको अंदर अंदर मारना पड़ेगा थोड़ा कोटिंग, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर अभी माइक्रोफाइबर टॉवल से फिर उसे अच्छा से रबिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, डबल कोटिंग हो गया, अब देख सकते हैं। दोस्तों देखिए क्या कुछ डिफरेंस है कि नहीं, बताइए, कमेंट कीजिए। तो अभी इसके ऊपर हम पानी भी डालेंगे और मिट्टी मिला हुआ पानी भी इसमें डाल के देखेंगे उसमें रहता कि नहीं, और कुछ दाग वाग होता कि नहीं देखेंगे। देखिए चलिए अभी पहले पानी डालेंगे। देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ, देखिए देखिए पानी कैसे चला जा रहा, अब देख सकते हैं। देखिए पानी सब कैसे निकल जा रहा है। देखिए अब टैंक के ऊपर डालेंगे पानी। देखिए अभी देखिए मिट्टी मिला रहे हैं, मिट्टी मिला के मिट्टी का पानी भी डालेंगे। चलिए अभी इसके ऊपर डालेंगे। देखिए देखिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा और नया वीडियो बनाने की इच्छा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और देखिए मिट्टी पानी डालने के बाद नॉर्मल पानी से धोने से सब चला जा रहा है। देखिए ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।